इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने चरखी दादरी में नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला पर शब्दों के तीखे बाण चलाए थे। जेजेपी के बीजेपी में जल्द विलय के बयान पर अब उनके भतीजे दिग्विजय सिंह चौटाला ने पलटवार किया है। दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया है कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2019 में इनेलो का प्रदेश में एकमात्र विधायक है, जबकि जेजेपी के 10 हैं। प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, जबकि इनेलो 17 साल से सत्ता से बाहर है। अहलाबाद उपचुनाव के बाद अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि शेर घायल हो सकता है, लेकिन गीदड़ राज नहीं कर सकते। इसके जवाब में दिग्विजय चौटाला ने जवाब दिया था कि जो लोग घर में जीत कर शोर मचाते हैं वे शेर नहीं बल्कि गीदड़ होते हैं। असली शेर तो चौधरी देवीलाल थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र से और प्रदेश से बाहर निकलकर चुनाव लड़े और जीते। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि चौधरी देवीलाल के समय से लेकर आज तक बीजेपी के साथ चार पीढ़ी का गठबंधन रहा है। बीजेपी के साथ हम मिलकर चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। इसके जवाब में अभय चौटाला ने दादरी में बयान दिया था कि जेजेपी के लोग बीजेपी के रंग में रंग गए हैं, जल्द ही जेजेपी का बीजेपी में विलय होगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।